पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महासमुंद जिले के बागबहरा के कोमाखान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री का आदिवासी समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सभी को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कोमाखान मंडी में मैं कोई पहली बार नहीं आया हूं, इसके पूर्व भी मैं यहां आ चुका हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हमारा आदिवासी समाज देश के लिए जीने मरने वाला समाज है। समाज चाहे अंग्रेजों से लड़ने की बात, चाहे जंगल सत्याग्रह की बात हो, महासमुंद जिले के आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं रहा। इस दौरान पूर्व सीएम ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार हमार नोनीमा, बहुत देर से आप सब बैठे हो, विश्व आदिवासी दिवस आप सब मनात हो, आप सब लोग बहुत बहुत बधाई या शुभकामना। कोमाखान के मंडी में पहली बार आना नहीं होते, एकर पहले हुआ आए रहे, ऐसने भीड़ उस समय रही से और उतके भीड़ अभी भी है। तो मैं आप सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था, आप सब हृदय से धन्यवाद दे रहा। अभी देव सिंह भाई, बसंता बहन, समाज के बाद सरकार से अपेक्षा और मांग पत्र भी रखे, ओकरे साथ साथ इस क्षेत्र के विकास के बारे में भाई द्वारकाधीश और भाई अंकित जी बात रखी ने। आदिवासी समाज हमारे सबसे प्राचीन समाज, आदिवासी मतलब आदिकाल से जिन निवास करत, जे ये धरती के मालिक, जल जंगल जमीन, अभी नारा लगा दे ना बढ़िया सुंदर, जल जंगल जमीन का नारा है, पूरा देश हमारा है, ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हमारे समाज, देश के लिए जीने मरने वाला समाज, चाहे वो अंग्रेज से लड़े के बात हो, चाहे जंगल सत्याग्रह के बात हो, महासमुंद जिला पीछे नहीं रहे, यहाँ का आदिवासी मन पीछे नहीं रहे, हमार बेटी मन पीछे नहीं रहे। अंग्रेज मन के सामने सीना तान के हमार आदिवासी बेटी खड़ा हो गई, ओकर ऊपर हम गर्व कर। पूरा दुनिया में आज आदिवासी दिवस मनात, मोला ये बात के खुशी है कि जब मुख्यमंत्री बने और पहले आदिवासी दिवस मनाए, उसी समय हम घोषणा करें कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में शासकीय छुट्टी घोषित की जाए। एकर पहले भी सरकार मर रही से मल्ला मौका मिली से आदिवासी समाज मांगत रही से कि आदिवासी दिवस की छुट्टी होना चाहिए, लेकिन छुट्टी नहीं दी। ये आपके सरकार रही से आपके भावना सम्मान करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित की। हर साल आयोजन होत रही से, बड़े बड़े आयोजन होत रही से, शासकीय आयोजन होतरी से, ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में हम सब शामिल होत रहे। 5 साल ले कोरोना काल में भी आदिवासी दिवस हम मनाए, लेकिन दुर्भाग्य ये साल छुट्टी तो है, सरकार के तरफ से आयोजन नहीं हुआ थे, ये साल सरकार के तरफ से आयोजन नहीं होते, ये साल तो आदिवासी दिवस के विज्ञापन तक नहीं छपा।